ये जो फैमिली होती है ना, ये तस्बीह की तरह होती है। और हमने देखा है कि जो ये जो है ना तस्बीह के ऊपर वाला हिस्सा, ये माँ बाप होते हैं। जब ये चले जाते हैं ना, तो अपने भाई बहनों को जिस तरह तस्बीह के दाने बिखरते हैं ना, इस तरह बिखरते देखा है। जब तक माँ बाप हैं, पहले तो इनकी बरकतें लेना, और जब ये चले जाए ना, तो ये दाने बिखरने मत देना, जोड़ के रखना अपनी फैमिली को। ये फैमिली, यही तो प्यार है जिंदगी में, है? थोड़े से पैसों के लिए भाई बहन लड़ते हैं, जायदाद के लिए भाई बहन लड़ते हैं, थोड़े कारोबार के लिए लड़ते हैं। अरे कुर्बान कर दो, कोई बात नहीं, भाई को थोड़ा ज्यादा चला जाए, बहन के, मेरी बहन के घर में ही जा रहा है ना, ये तेरा है, ये मेरा है, ना किया करे। ये घर की मोहब्बतें आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। हदीसे पाक में आता है, जिसका मजमून है, जो चाहता है कि उसकी जिंदगी में इजाफा हो जाए, उम्र में इजाफा हो जाए, बुरी मौत से बचे, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या है? अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। और रिश्तेदारों में द क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर जो है, वो भाई बहन है, वो माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं। अरे इनको छोड़कर दुनिया से मोहब्बतें जता रहे हो? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अपनी बच्चियों के साथ और अपनी बहनों के साथ बिलखुसूस अच्छा सलूक करना। खुशनसीब है वो भाई जो बहनों का मान है, खुशनसीब है वो जो वालिद जो अपनी बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। बहनों की दुआएं भाई को बहुत ऊपर ले जाती हैं, खुशनसीब है वो भाई। अच्छा हमारे एक और निजाम पता है क्या है, कि जब तक माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो चले भाई बहनों में प्यार है, अब भाई बहनों में शादी हो गई, सबकी शादियां हो गई और माँ बाप चले गए, तो अब नॉर्मली लोग अपनी बहनों को इग्नोर करते हैं। अब यार मैं तो अपनी बीवी को देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, अपनी कमाई को देखूंगा। नहीं, अब भाई का काम है कि वो वालिद का किरदार अदा करे, बहनों को ये एहसास दिलाए कि तुम्हारे माँ बाप चले गए हैं मगर तुम्हारे भाई जिंदा हैं, हर मुश्किल में तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े होंगे। कभी बहनों को ये रियलाइज मत कराना कि वो अकेली कहीं किसी प्रॉब्लम में हो तो वो अकेले में सोचे कि मेरे माँ होती तो मैं किससे माँ से बात कर लेती, बाप होता तो मैं बाप से कह देती, भाई को क्या कहूं, वो तो सुनता ही नहीं है। हैं ऐसे भाई आज भी कि बहनें उन्हें अपना दुख भी शेयर नहीं करती हैं, बल्कि भाइयों को पड़ी नहीं है बहन किधर गई। ये मत करना, अगर तुम अपने माँ बाप की रूह खुश करना चाहते हो ना, तो भाई बहन जुड़ के रहो, भाई बहनों में प्यार रखो। ये पैसा सब कुछ नहीं है, अरे जो कुछ मेरे पास है अगर मेरे भाई बहनों पे खर्च हो जाए तो इससे अच्छी क्या चीज है। ये याद रखिए, जो सोशल मीडिया पे हजारों फ्रेंड बनाए बैठे ना, कि मेरे 5,000 फ्रेंड तो मेरे 10,000 फ्रेंड, किसी दिन बिस्तर पर पड़ोगे ना अस्पताल में, तो उस बिस्तर के किनारे तुम्हें तुम्हारे भाई बहन ही नजर आएंगे। वो सोशल मीडिया वाला तुम्हारा जो सारा दिन चैटिंग, जिसके साथ व्हाट्सएप पे लगे हुए हो ना ग्रुप में, कोई नजर नहीं आएगा। जब तुम्हारे घर में कोई बच्चे का प्रॉब्लम होगा, रात आधी रात को अगर तुम्हारे घर कोई आके तुम्हें दिलासा देगा, तो तुम्हारे भाई बहन होंगे। बहनों को हकीर ना समझना, ये उन लोगों के लिए भी दर्स है। इस्लाम जब नहीं आया था ना, तो बहनों के हुकूक नहीं थे, उनको कोई विरसे में हक नहीं देता था, बहनों की शादियां नहीं करवाते थे। मगर आज भी कुछ कबाइल सुना है ऐसे हैं, आज भी बदबख्त कुछ लोग ऐसे हैं जो बहनों के हक दबा लेते हैं। अरे बहनें तो गमगुसार होती हैं, बहनें तो भाइयों का मान होती हैं, अरे बहनें होती हैं तो घर में रौनक होती है। अरे बहनों को इज्जत दिया करो, बहनों को प्यार दिया करो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों के माँ बाप जल्दी चले गए, अब भाई पर बहनों का बोझ है। एक सहाबी के बारे में आता है, उनकी 6 या 7 बहनें थी, और सुभान अल्लाह, वो अपनी बहनों को उन्होंने पाला, अपनी बहनों को बाप बनकर पाला, उनके बालों में कंघी भी करते थे। और जब बहनों की शादियां हो गई, बहनें बड़ी हो गई, अपनी शादी ताखीर से की और शादी भी किसी बेवा से की। पूछा गया कि क्यों बेवा से शादी की? कहा मेरी बहनों को एक मां की हाजत थी, मैं कोई जवान लड़की ले आता तो बहनों का क्या होता। अल्लाह अकबर, ये सहाबा का अंदाज। और आज जो बहनों का हक दबाते हैं, आज जो बहनों को जलील करते हैं, ना करना। हमारा इस्लाम बहनों से मोहब्बत का दर्स देता है।